अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में एक ट्राउज़र की कटिंग शेयर कर रही हूँ। ये भी इसराइल 2 के नाम से मैं आपके साथ टाइटल इसका मैं डालूँगी। फर्स्ट ट्राउज़र जो मैंने कट किया था वो बिल्कुल बिगनर ट्राउज़र था। ये जो है स्टाइल 2 है। इस तरह से भी आप ट्राउज़र की कटिंग करेंगे तो जो है आपका फिटिंग का जो पार्ट है थाइस के पास वो बहुत अच्छा आएगा। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है अपने फैब्रिक को 4 यानी कि 2 यानी कि समझिए मेरा फ्रंट का मैं अभी फ़िलहाल काट रही हूँ ना, तो 2 यानी 4 पे मैंने इसको रखा हुआ है। ठीक है, मैंने बैक और फ्रंट अलग अलग कट करना है इस ट्राउज़र का। तो मैंने सबसे पहले 2.5 इंच में इलास्टिक के लिए मैंने छोड़ दिया, और वो छोड़ देने के बाद जो है मैं अपने मियानी का निशान लगा दी हूँ। तो ये जो है मैं 15.5 का निशान लगा लूँगी। देन टोटल लेंथ मैं अपनी ले लूँगी। मैंने थोड़ी बढ़ा के लेंथ ली है, मुझे 3 प्लीट्स पे ये मैंने बस इसको ट्राउज़र को रेडी किया था। अब मैं यहाँ पर जो है 13 इंच का अपना वेस्ट पार्ट ले रही हूँ, और उसके बाद जो है ये यहाँ से मैं ले लूँगी 16, ताकि जो है थोड़ा सा खुला ट्राउज़र रहे और बैठने वगैरह में फटे ना। ठीक है, ये कपड़ा जो है मेरे पास सिल्क का कपड़ा है। ये आप कह लें थोड़ी मोटी वाली जो सिल्क होती है उस टाइप का कपड़ा है। यहाँ पर मैंने नीचे जो है 9 इंचेस का मेरा हेमिंग के साथ मैंने रखा है, यानी तैयार हो गया ये मेरा कुछ 7.5 इंच बनेगा। अच्छा, वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि अभी मैं एक निशान और लगाऊंगी। ये देखें, यहाँ से पहले मैं फर्स्ट जो है बिल्कुल आसन के पास से एक लाइन लगा दूंगी। सॉरी, मेरा गला खासा ख़राब हो रहा है तो वॉइस ओवर करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। खैर, ये देखें, ये मेरा इलास्टिक का, ये मैं आपको बता रही हूँ इलास्टिक का है, और ये मेरा आसन का मैंने एक निशान लगा लिया। अब आसन के निशान से लेकर नीचे तक जो है मुझे 1 इंच का एक कर्व सा निशान मुझे लगा रहा है। ठीक है, ये मेरी फिटिंग का निशान है जो कि मुझे देनी है। अब इस तरह से कटिंग करने से आपका जो ट्राउज़र होता है उसकी जो आपकी पाँव नीचे से पाँव से लेके थाय तक की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। आप इस तरह से कटिंग करके देखिएगा। बहुत सारे वे होते हैं ट्राउज़र कट करने के, तो उसमें से ये भी एक तरीका है। तो मैंने कहा ऐसा ऐसा मैं हर तरीके से आपके साथ ट्राउज़र की कटिंग शेयर कर दूँगी। तो ये देखिए, 1 इंच में कर्व देते हुए यहाँ से आसन तक मैं पूरा मिला दूँगी। अगर कोई बहुत पतली लड़की है वो ऊपर तक भी इसी तरीके से कर्व में दे सकती है, बल्कि वो गहरा कर ले 1.5 इंच देते हुए 1 इंच पे ख़त्म कर ले। ठीक है, मैंने यहाँ से इस तरह से पूरी कटिंग अपनी कर दी थी। अब मैं फ्रंट का पार्ट जो यहाँ पर बिछा दिया। मैंने फ्रंट कट किया था, मैं बैक का पार्ट सॉरी बिछाया मैंने यहाँ पे। ये भी 2 उस पर मैंने जैसे बिछाया वैसे ही रखा। उसके ऊपर आप अपना जो फ्रंट कट किया था उसको रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद अब मैंने सिर्फ इतना करना है कि जो कटिंग हुई हुई है इधर साइड की, ठीक है, इधर मुझे सिर्फ और सिर्फ 1-1 इंच बढ़ाते हुए जो है कट कर लेना है। ठीक है, और जो इधर दबाव में मैंने ये 1.5 इंचेस मैंने कर्व दे के कटिंग करी थी वो कटिंग सेम होगी। सिर्फ और सिर्फ 1 इंचेस जो है यहाँ से मैं बढ़ा लूँगी पूरे ट्राउज़र पे और मार्क करके उसको मैं कट कर दूँगी। अच्छा, ये काम जो है पूरे पे ही होगा, ये नहीं कि पीछे से आसन वाले हिस्से पे होगा, नीचे नहीं होगा, पूरे पे होगा। ठीक है, और ये वाला जो अंदर का पार्ट है मेरा, वहाँ पर जो है जैसी मैंने फ्रंट पे कटिंग कर दी वो कटिंग वैसी ही होगी। ठीक है, बस 1-1 इंच जो है मैं उस साइड पे यानी जो बाहर का साइड है मेरा उधर में मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, और ये मेरा बैक पार्ट रहेगा। अच्छा, स्टिचिंग के वक्त प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये दोनों जो है सिलेंगे नहीं एक साथ, यानी कि एक बैक का पार्ट और एक फ्रंट का पार्ट आपस में आसन में जुड़ रहा होगा
तो जो है इस तरह आपको ये चीज़ देखते हुए सीनी है, जैसे आपने उठाया है वैसे ही रख के नहीं सिलेगा। एक पार्ट आप ये वाला बैक का उठाएंगे, एक पार्ट फ्रंट का उठाएंगे और उसको जो है आपस में जोड़ेंगे। फिर इसी तरीके से एक पार्ट बैक का उठाएंगे, एक पार्ट फ्रंट का उठाएंगे और वो आपस में जोड़ेंगे। तो जो है जब आप बैठेंगे और इस तरह उठेंगे तो आपका पीछे से गहरा होने की वजह से जो है आपका हिप्स के पास से कभी भी ट्राउज़र फटने का ख़तरा नहीं होता है। तो जो है अगर कोई बहुत हेल्दी लेडी है तो उसके लिए तो ये कटिंग बहुत बेस्ट है। ये इतनी बिगनिंग की ये कटिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और वो आराम से इसको वेयर कर लेगी तो कभी भी उसका ट्राउज़र फटेगा नहीं। पतली लड़कियों के लिए तो हर तरह की कटिंग चल जाती है, लेकिन जो थोड़ी हेल्दी होती है उनके लिए जो है यानी पाँव के पास से फिटिंग भी बहुत अच्छी ले लेगी और ऊपर की तरफ से घेर भी बहुत अच्छा ले लेगा, तो कभी भी ट्राउज़र फटेगा नहीं। तो ये एक स्टाइल था कटिंग का जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी काफ़ी दिन से, बट बस वो बहुत ही मैं वीडियो एडिट कर नहीं पा रही थी। तो इसको मैंने स्टिचिंग कि मैंने एक वीडियो शेयर भी करी थी, इसमें सिर्फ 3 प्लीट्स मैंने सिंपली डालकर और इसको ट्राउज़र को मैंने कंप्लीट बनाया था। मैंने आपको पहन के भी दिखाया था शायद, पता नहीं मुझे याद नहीं। तो बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आती है। अगर मैंने नहीं डाला है तो मैं वो भी डाल दूँगी इसके थंबनेल पे, ताकि आपको देख के पता चल सके ट्राउज़र दिखने में कैसा लग रहा था बनने के बाद। तो बस स्टिचिंग का इसका यही मेथड है कि आपको एक फ्रंट का पार्ट उठाना है और एक बैक का पार्ट उठाना है, बस बाकी सिंपल ये ट्राउज़र वैसे ही है जैसा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।